जिस तरह से सूचना लोगों को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खाते में 500 रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बाद से आप देख सकते हैं तमाम तस्वीर, ये सिवान के दाहा नदी के पास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम महिला अचानक डाकघर में पहुंच गई, अपने पासबुक ले लेकर, पासबुक दिखाइए अगर हो तो, पता करने के लिए कि क्या अकाउंट में पैसे आए हैं। और इसको लेकर के सोशल डिस्टेंस का ख्याल जाहिर तौर पर नहीं रखा गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं महिलाओं की क्या समस्या है, किस लिए लॉकडाउन के बाद सड़कों पर निकली हुई है। कहाँ आप लोग आई हुई थी बताइए? बताइए, राशन पर पैसा आवेला बा, खाता थी राशन मिलेला वही खाता पर। तो कहाँ आप लोग गई थे? वही जी बैंक में। बैंक में या डाकघर में? ना बैंक में। बैंक में? हाँ। तो बैंक गई तो क्या हुआ? तो नइखे आई। बैंक में बात हुई है वहाँ पर? हाँ। क्या बोला है लोग? कहता नइखे आई, 15 तारीख के बाद आके चेक करा लो। अच्छा, तो क्या जानकारी था आप लोगों को? अब कोई अब का आई, अब ये सुन के चलिए नहीं। क्या सुनी थी आप लोग? जे 15 तारीख के बाद। तो क्या जानकारी हुआ था तो आप लोग आई थी लोग? किस तरह का पैसा आने वाला था, किनके द्वारा भेजना था? केहू के द्वारा ना, मोदी के द्वारा। हाँ हाँ बताइए, क्या 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 बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि इतना संपत्ति लोभ आता था, गरीब गुरबा का हमने खुरवाद का मुँह नहीं सर, आ हमने का मिलत है ना, हमके एक नेतो तो खड़ा दे बा, आधा लोग का देता आधा लोग का नहीं। कहाँ गई थी अभी? गए रही हम अपन पैस उठा। तो बैंक में पता करने भी गई थी पैसा वैसा के बारे में? ना नहीं खे, तो हम अपन पैस धैल नहीं तो उठा के दे। तो मतलब कितना पैसा आने वाला था मोदी जी के द्वारा? मोदी जी जब भेजत आनी तौन तो कहतन कि इतना तार लोग भेजल बानी, तार लोग राशन खैराती भेजल बानी, हई भेजल बानी, आ ऊपर वाला खा जाता सर, 10 आदमी के देता ना सर, 20 आदमी के घीत के भेज देता। आप लोगों को मिला है? ना हमने के नहीं मिलल भैया, हम गोड़ हाथ जोड़ के कहतन। अच्छा, और लोग यहाँ पे मौजूद है, आप बताइए क्या समय, किस लिए आप लोग घर से बाहर निकले? राशन मिले के रहा है जा। अच्छा, वो बनिए तो कहते लोग जाए लो जो ये मिले हो तो ये मिले। कहाँ पे आप गए थे? ये जाए ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक? क्या बोला है लोगों को? सब राशन सब लिया के रखा है बा, कहते लोग अभी ना मिली। अच्छा, जाए लो जो मिले को खुद मिले लगी। आप बताइए क्या समस्या है, किस लिए आप लोग घर से बाहर निकले? राशन खाती गए रही है सर। अच्छा, कहाँ गई थी? स्टेट बैंक में मैंने बोला राशन मिली तो गए नहीं सर, तेल कुली रिफाइन आटा चावल आलू रखल बा पॉलिथिन में बन बन के, आ वो बोलता है जे बटाई तो बोला के दिया, तो बोला लखल का जब गए से फिरा दे लखलो। कौन बुलाया था आप लोग? वो एक जना रखड़ाव के हन, सिकमार नाम है उनको, सिकमार चौधरी। तो आप लोग अब कहाँ जा रही हैं? अब घर जाता नहीं। तो आप लोगों को पता है ना कि लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना, इतना भीड़ लेकर के आप निकल रहे हैं। तो फिर बोला तब तो हम सामने के ना बोले इतना आती सन रो बोला तब तो हम सामने के जब बोला नहीं तो हमने दिया ना, तो वही कह दीजिए नहीं मिले वाला तो ना दीजिए घर से। तो आप देख सकते हैं ये तमाम महिला जो है एक साथ सभी लोग यहाँ पे पहुँची हुई थी, और जाहिर तौर पे लॉकडाउन है लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को सूचना दी गई थी बैंक के किसी कर्मियों के द्वारा कि आप लोग आइए, आपके आपका जो राशन है वो मिलेगा, खाता में जो पैसे मोदी जी के द्वारा भेजने जाए थे उसमें वो भी आ गया। लेकिन ये लोग जब वहाँ पर पहुँची तो जाहिर तौर पर ना ही इन लोगों को राशन मिला और ना ही इन लोगों को पैसा मिला। जाहिर तौर पर कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं तो लोग बरगला करके इनको बुला रहे हैं और तमाम तरह की बातें हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दावा भी किया था कि 500 रुपये खाते में जाएंगे, कुछ लोगों के खाते में आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब हम बैंक में गए, हम लोग बुलाया गया तो वहाँ पे ना राशन मिला और ना पैसा मिला। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कि जो कर्मी इनको बुलाएं वो जाहिर तौर पे लॉकडाउन के बावजूद इस तरह से भीड़ लगा करके अगर जाना, इस तरह से बैंक में अगर जा रहे हैं और किसी कर्मी के द्वारा बुलाया जा रहा है तो घोर लापरवाही है। और कहीं ना कहीं इतनी महिलाएं एक साथ होकर के जब सड़कों पे निकल रही हैं तो लॉकडाउन की खुलियाम धज्जियां भी उड़ाई जरूरत है। ऐसे में उस लापरवाह कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो ये नासमझ महिलाएँ हैं जिनको कुछ लोग इस तरह से बरगला रहे हैं ताकि आपके खाते में पैसे तो फिर राशन ये सब चीज़ों को बताते हुए, तो इस तरह के कर्मियों पर जो लापरवाही कर रहे हैं, जो गलत बात बता करके लोगों को भीड़ के साथ इकट्ठा करा करके बुला रहे हैं, इन पर अगर कार्रवाई होगी तो इस तरह से जो लोग हैं जाहिर तौर पे उनकी जागरूकता बढ़ेगी और वैसे लोगों से ये दूर दूर तक भागने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार सिवान।